पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। भोजपुरी के पावर स्टार कहे जाने वाले पवन सिंह की चुनावी चिन्ह का कुछ ही देर में ऐलान हो जाएगा। जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हैं। और नमस्कार, मेरा नाम स्नेहा गुप्ता है और आपने देखना शुरू कर दिया है भारत लाइव। आपको बता दें, जिस तरीके से पवन सिंह ने त्रिकोणीय मुकाबला काराकाट में कर दिया है, उसके बाद लगातार जो चुनावी प्रचार प्रसार कर रहे थे उपेंद्र कुशवाहा, कहीं ना कहीं उनकी राह जो है वो आसान नहीं रह गई है। अब काराकाट सीट पर जिस तरीके से त्रिकोणीय मुकाबला हो गया है, जहां एक तरफ महागठबंधन से सीपीआईएमएल माले के खाते में ये सीट गई है, तो दूसरी तरफ उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी से उपेंद्र कुशवाहा चुनावी मैदान में है। और पवन सिंह ने भी ऐलान कर दिया है कि वो भी चुनाव लड़ेंगे, लेकिन आखिरकार वो किससे चुनाव लड़ेंगे और किसके साथ चुनाव लड़ेंगे। खबरें आ रही हैं कि मायावती के हाथी पर सवार हो जाएंगे पवन सिंह और बसपा की तरफ से चुनाव लड़ेंगे। अगर पवन सिंह की हम बात करें तो पवन सिंह के बारे में आपको पता होगा कि वो किस तरीके से काराकाट की जनता की सेवा करना चाहते थे, साथ में चुनावी मैदान में इस बार वो शंखनाद करने जा रहे थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने उनका टिकट काट दिया और टिकट काट कर ये टिकट जो है उपेंद्र कुशवाहा के हाथ लग गई। जब उपेंद्र कुशवाहा से भी ये बात पूछी गई कि आपके एरिया से ही, काराकाट से ही पवन सिंह चुनाव लड़ने जा रहे हैं, तो उनका बयान ये था कि साइंस के स्टूडेंट से नहीं पूछते कि कॉमर्स में क्या कुछ हो रहा है, और उपेंद्र कुशवाहा काफ़ी भड़के हुए नज़र आ रहे थे। अब देखना होगा कि बसपा के हाथी पे जब सवार होंगे पवन सिंह तो क्या कुछ तस्वीरें आएगी। कुछ ही देर में औपचारिक ऐलान भी होगा। आपको बताएं, पवन सिंह जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं और खबरें जो है कि वो मायावती के हाथी पर सवार होंगे, लेकिन अगर हमने पवन सिंह के करीबियों से बात की तो उनका ये कहना था कि औपचारिक मुलाकात नहीं है, ये सिर्फ ऐसी मुलाकात है ताकि जिसमें एक दूसरे को जान सके, लेकिन कयासों का बाजार है राजनीति और राजनीति में कुछ भी संभव हो सकता है। यहाँ पर वो होता है जो किसी ने सोचा नहीं होता और वो भी होता है जो किसी ने सोचा होता है। तो अगर हम बात करें बिहार की राजनीति की, तो इस बार बिहार की राजनीति पर सबकी नज़र है, क्योंकि 40 सीटों पे लोकसभा चुनाव होने वाले और सारी सीट कहीं ना कहीं हॉट सीट बन गई है, खासकर वो सारी सीटें जिस पर त्रिकोणीय मुकाबला हो रहा है, चाहे बात करें पूर्णिया की या बात करें हम काराकाट की। भारतीय जनता पार्टी से लड़ना चाहते थे पवन सिंह, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ भी मुलाकात की थी। आपको याद होगा किस तरीके से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आवास पे जो सिक्योरिटी गार्ड्स थे उन्होंने पवन सिंह के साथ सेल्फी ली थी, और पवन सिंह ने ये भी कहा था कि मैंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात की। अब देखते हैं आगे क्या कुछ होता है, लेकिन उनकी टिकट कट गई। अब काराकाट से उन्होंने सीधे ट्विटर पे ये लिख दिया था कि मैं काराकाट की जनता की सेवा करना चाहता हूँ और मैं काराकाट से चुनाव लड़ना चाहता हूँ। अब देखना होगा पवन सिंह क्या मायावती के हाथी पर सवार होते हैं और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सब कुछ तस्वीरें जो हैं वो साफ हो जाएंगी कि आखिर पवन सिंह निर्दलीय लड़ेंगे या मायावती के साथ लड़ेंगे। आप बने रहिए भारत लाइव के साथ, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी, तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओ जे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतनी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली, 9386816700। धन्यवाद।